हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन रेलवेज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम 29 अगस्त 2018 का LLP टेक्नीशियन का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यूज आर द सेल्स डेड? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है एक्चुअली इसमें जो सेल्स होती है डेड होती है। प्लांट में बहुत ज़्यादा जो सेल्स होती है मौजूद, वो सारी आधे से ज़्यादा जो होती है डेड होती है। क्यों डेड होती है? अगर वो डेड ना हो तो प्लांट जो है वो स्ट्रांगली कैसे खड़ा रह पाएगा। ठीक है, जो स्क्लेरेनकाइमा जो डेड होती है इसकी वजह से ही प्लांट हार्ड और स्टिफ होता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं हार्ड और स्टिफ होते हैं, स्टिफ होते हैं, ये याद रखना है। तो होता यूँ है कि इनके वजह से, ये डेड होने की वजह से एक तो मेंटेनेंस कम लगता है प्लांट एक जगह ठहरने की वजह से, उनको एनर्जी ज़्यादा क्या कहे उसे एनर्जी का सोर्स या फिर एनर्जी ज़्यादा उनकी यूज़ ना हो या फिर एनर्जी ज़्यादा क्या कहे उसे वेस्ट ना हो, इसलिए जो है उनके ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है ये याद रखना है आपको, ज़्यादा जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा के बारे में भी मैंने बताया था आपको। कोलेनकाइमा के बारे में क्या, बेबी प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, बेबी प्लांट में पाए जाते हैं, उसके स्टेम में या कहे तो तने में पाए जाते हैं, उसको जो है हार्डनेस और स्टिफनेस देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी इन द, ठीक है, जो वृषण होते हैं उधर में, उधर उधर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो वो कहाँ स्थित होता है एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो अंडकोश के थैली में जो है वो स्थित होते हैं या फिर कहे तो वहाँ पे लोकेटेड होते हैं अंडकोश, स्क्रोटम। एक्चुअली होता है स्क्रोटम में जो टेस्टिस होता है ना, तो उसमें जो स्पर्म होते हैं उन्हें कोल्ड चाहिए, टेम्परेचर जो है कम चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कोल्ड, टेम्परेचर कम चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो खराब हो ना हो जाए स्पर्म जो है, तो इसलिए जो है देखिए इतना अच्छे से नेचर ने बनाया है हमको, तो स्पर्म को कोल्ड ये चाहिए, तो एक तरह की ना त्वचा की थैली सी बन जाती है। ठीक है, गोल सी थैली सी बन जाती है त्वचा की थैली, और वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है कम होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स और सीड्स इज कॉल्ड, ठीक है, एक नया ही प्लांट बनाना है लेकिन उसमें उसका बीज यूज नहीं करना है। ठीक है, पौधे का ही कोई हिस्सा ले लेना है और उससे नया प्लांट बना देना है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, डायग्राम से बहुत अच्छे से जानेंगे हम। ये देखिए, ये एक गाजर है, ठीक है, एक गाजर है, तो हमने गाजर का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे एक्सा प्लांट कहते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा लिया, इसे एक कंटेनर में डाला, एक कंटेनर में पानी है, उसमें सारे न्यूट्रिशन है, जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ना प्लांट को बढ़ने के लिए, वो सारे न्यूट्रिशन हमने उसमें डाल दिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है या फिर कहे तो नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सारे न्यूट्रिशन डाल देने के बाद हम इसे फोटोसिंथेसिस के लिए, हम इसे लाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे लाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बढ़ते 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 एक प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, सेम प्लांट में कन्वर्ट हो गया ना इसी तरह से, तो ये सेम प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, इसके लिए कोई बीज की ज़रूरत नहीं होती या फिर कहे तो वेजिटेटिव पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये क्यों होता है? ये टिश्यू कल्चर में होता है। तो इसके फायदे यूँ हैं कि आपको सीड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कि आपको किसी सीजन की ज़रूरत नहीं, कोई फ्रूट खाना है, कोई फ्रूट खाना है या फिर कोई फल या फिर कोई कुछ भी ज़रूरत हो तो सीज़न की ज़रूरत नहीं, जैसे सीजन वाइज हमारे यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं तो वो सीज़न का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग वैरायटी जीन्स में वैरायटी कर सकते हैं, ठीक है, उसके थोड़ा सा DNA में बदलाव कर सकते हैं और बना सकते हैं नए वाले, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। इसमें क्या होता है ना कि ये नेचुरल तरीके से बढ़ते नहीं है, ये जो है नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ते, हम आर्टिफिशियली इन्हें प्लांट को बढ़ाते हैं, तो ये प्लांट में ये ज़्यादातर डिजीज प्रोन हो जाता है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल वगैरह कोई चेंजेस आ गए ना तो ये जो ट्रीज है वो ज़्यादा, ठीक है याद रखना, तो ये डिजीज हो सकते हैं इन तरह के प्लांट्स को, ये याद रखना है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आप खाना खा ले तो जैसे ही आपका पहला निवाला आपके मुँह में जाता है या पहला बाइट जाता है तो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का कहाँ होता है, फैट का कहाँ होता है? तो ये स्टमक में होता है, लेकिन 100% जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ओके, गिलहरी, बदक, कौवा और बंदर। तो इसमें ऑड वन आउट पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये बदक ही हो सकता है, डक ही हो सकता है, क्योंकि ये वाटर बर्ड है। ठीक है, वाटर बर्ड है तो एम्फीबियंस मत समझ लेना, ये बदक जो होता है वो वाटर बर्ड होता है। तो इससे पता चलता है कि बाकी सारे तो वाटर में नहीं रह सकते, तो बदक ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, ठीक है, परागकण किस में पाए जाते हैं? तो ये देखिए, ये जो होता है ये मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। और ये स्टेमेन, ये जो बारीक बारीक आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स जिसमें होते हैं उसे एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंथर्स या फिर पराग कोश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ सेल। ठीक है, किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस ही जो है मास्टर होता है। देखिए, ये है सेल, इसमें है ये न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके साइड में जो होता है ये है जो है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड होता है सेल मेम्ब्रेन में वो क्या कहलाता है, तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस ही मास्टरमाइंड होता है आप सेल का, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओके, हु कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो ये दिया था रचिता कौन है एक्चुअली, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है ना, ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो सिद्धांत है वो पढ़ा था, और फिर इन्होंने ये लाइन दी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कर देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनको लगता है कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था, नहीं, वो हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर जो है एक फिलोसोफर रहे थे, ठीक है, फिलोसोफर थे ये, तो ये फिलोसोफर जो लोग हैं इस तरह की लाइंस दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि यू नो उनका जीन्स में होता है, या फिर पढ़ पढ़ के वो लोग इतने होशियार बन जाते कि एक लाइन में सारी किताब का सारी थीसिस का जो है जवाब दे देते। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आप 10 साल भी के बाद भी अगर एग्जाम के पेपर उठा लोगे ना, तो ये क्वेश्चन 100% होगा इंडिया में, मतलब घिसे पिटे क्वेश्चन होंगे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विनाश निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? तो ये जो है अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्लम जो है उत्तरदायी होता है। ये किस तरह से हम लोग ये डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, सेरिब्लम कहाँ होता है ये भी देख लीजिए, ये जो है माइंड में यहाँ होता है पीछे, ठीक है, हिंड ब्रेन में होता है, ठीक है, पीछे के मस्तिष्क में होता है, ये याद रखना है आपको। तो देखिए, यूँ देखिए, ये जो लेडी है ये अपनी जो सैंडल, ठीक है, अच्छी कर रही है, ठीक है, सैंडल जो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करता तो ये बंदी या फिर ये मैडम जो कहे वो गिर जाती, ठीक है, अनबैलेंस हो जाती और गिर जाती, तो ये ना हो इसलिए जो है वो सेरिब्लम जो है काम करता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ये याद रखना है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो इनवॉलेंटरी थिंग है, ठीक है, इनवॉलेंटरी थिंग मतलब जैसे कि उल्टी आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ठीक है, सलाइवा का जो लार होता है हमारा वो जाना, तो ये कौन करता है, वो मतलब कौन कंट्रोल करता है, तो वो मेडुला कंट्रोल करता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखो, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि प्रीवियस वीडियो देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से जो है ये मिक्स ग्लैंड है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी मिक्स ग्लैंड है बॉडी में,
तो पैनक्रिया एक मिक्स ग्लैंड है। इसमें होता यू है कि ये एंजाइम भी रिलीज करती है और ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल पूछा है कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज करती है ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, प्रोटीन का जो क्या कहें डाइजेशन जो है पैनक्रियास के ट्रिप्सिन से ही होता है। पैनक्रिया क्या करता है, ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है और फिर वो स्टमक में चल जाता है। ठीक है, पैनक्रिया एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ते पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन से कौन सा जो है रिप्रोड्यूस होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हिस्सा ऐसे, मतलब लाइक यहाँ पे ये कुछ चीज़ है। ठीक है, कोई प्लॉट समझ लो। ठीक है, प्लॉट से बहुत अच्छे से, कोई ज़मीन है तो हम इसके हिस्से डाल रहे हैं ना इस तरह से, तो ये होता है फ्रैगमेंट। ठीक है, विखंडन, विखंडन के द्वारा, तो ये स्पायरोगायरा करता है। ठीक है, स्पायरोगायरा करता है, हम डायग्राम से बहुत अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, ये पूरा एक स्पायरोगायरा है। ठीक है, एक फ्लैट की तरह समझ लीजिए, तो इसके हिस्से गिर रहे हैं, ए फ्रैगमेंट 1, ये 2, ठीक है, ये 3। तो ये हर एक हिस्से में इसको डेवलप करने की, अपने आप को डेवलप करने की क्षमता होती है। ये फोटोसिंथेसिस करता है इसका हर एक हिस्सा, इसलिए जो है ये प्रजनन कर पाता है विखंडन द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है ओरिजिनली। ठीक है, वाटर में होता है ये ज़्यादातर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।